हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारा चैनल का नाम है क्रेजी फूडी सिस्टर। आज हम पकाने जा रहे हैं शीरकुर्मा। शीरकुर्मा के लिए हम लोगों को इंग्रेडिएंट चाहिए, सेवैयां जो ऑलरेडी भुने हुए हैं, दूध, शुगर एंड इलायची और शुगर को हम लोगों ने मिक्सी में मार लिया है, इसलिए ऐसा दिख रहा है, मिल्क मेड, घी, चिरौंजी, बादाम और काजू। बादाम, काजू और चिरौंजी को हम लोगों ने घी में भून चुके हैं। अभी बादाम, काजू, चिरौंजी। अगर आपके पास चिरौंजी नहीं है तो आप वो ऑप्शनल रख सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा आता है चिरौंजी का मीठे में। अभी हम लोग दूध डालेंगे। दूध के लिए आप पहले अपनी स्टोव का आंच थोड़ा धीमी रखिए, वरना दूध फूट जाएगा। आप देख सकते हैं कि कैसा दूध में उबाल आ रहा है, सारा शक्कर घुल चुका है। अभी हम सेवैयां डालेंगे जो ऑलरेडी हम लोगों ने भून चुके हैं। सेवैयां मिक्स कर लीजिए, बिकॉज हम लोगों ने इलायची मिक्सी में मारा हुआ है, फ्लेवर अच्छे आएंगे। अगर आपको चाहिए कुछ और फ्लेवर, आप रोज एसेंस डाल सकते हैं, अपनी पसंद का एसेंस डाल लीजिए आपको अगर फ्लेवर्स और चाहिए। अभी हम स्टोव ऑफ करेंगे। अभी हम लोगों ने स्टोव ऑफ कर दिया है। अभी हम मिल्क मेड ऐड करेंगे इसमें। तो हमने एक बॉल लिया हुआ है और जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे भून के, वो थोड़े हमने गार्निशिंग के लिए साइड में रखा हुआ है। अब हम दिखाएंगे कि सर्व कैसे करते हैं। धीरे से आप डाल दीजिए अपने बॉल में। इसका फ्लेवर बहुत अच्छे रहते हैं, आप जरूर ट्राई कीजिए। बहुत इजी रेसिपी है, घर पे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई चीज लाइक दूध नॉर्मली घर पे रहता है, सेवियां आप ले के आ सकते हैं और अच्छी तरह से बन जाते हैं ये आराम से, इतना एनर्जी भी वेस्ट नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं कि गार्निशिंग हमने घी ऑलरेडी काजू बादाम में यूज कर चुके थे, इसलिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा घी ऊपर नहीं डाला है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि घी का लेयर कितना अच्छा से आकर है। ये येलोइश कलर इसलिए हो चुका है क्योंकि हम लोगों ने केसर डाला हुआ था। सी, दिस इज नाउ रेडी टू सर्व। आप आराम से ठंडे होने के बाद खा सकते हैं, 1 आवर के बाद या हाफ एन आवर के बाद। प्लीज एंजॉय द रेसिपी एंड टेक केयर। प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।